वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार सेविका सहायिका के लिए अभी जो है न्यू रिक्रूटमेंट आ गई है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा शॉर्ट डिटेल्स आप लोग को देने वाले इस वीडियो में, और आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे उसकी जो है प्रक्रिया आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा सभी जानकारी के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज निकली हुई है जो कि 10th लेवल के लिए है। तो आप लोग क्या कर पाएंगे, सबसे पहले वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिए हैं, या फिर आप लोग जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं kaimur.nic.in। ये सर्च करेंगे इसी वाले वेबसाइट पे आप लोग आ जाएंगे, उसके बाद देख पाएंगे आप लोग कुछ इस प्रकार नोटिफिकेशन आप लोग के सामने आएंगे। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ से जो आप लोग PDF डाउनलोड कर लेंगे, 1 MB के PDF है। PDF डाउनलोड करने के बाद आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 27/5/2019 से ये ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है। 10th लेवल आप लोग का ये वैकेंसीज है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 10/6/2019 तक। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो मेगा सूची बनेगी वो 12/6/2019 तक। आप यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट में जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले दोस्तों जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग के लिए जरूरी है। तो क्या सब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ जो आप लोग का मूल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, विविधता प्रमाण पत्र जो विविधता अभ्यर्थियों के लिए है वो लोग, ठीक है, विकलांगता अभ्यर्थियों के लिए विकलांगता जो प्रमाण पत्र देना होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार आप लोग जो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए चलिए ऑफिशियल डायरेक्ट वेबसाइट में चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा सबसे पहले आप लोग क्या कर पाएंगे, जैसे कि नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि फोटो और जो आप लोग का हस्ताक्षर होगी उसकी फॉर्मेट क्या होगी, ये आप लोग को बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल है बारीकी से आप लोग को पढ़ लेना है। फिर आप लोग को क्या करना होगा कि न्यू पंजीकरण में आप लोग को क्लिक करके इसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना पद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कौन से पद के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका नाम, पति का नाम, इसी तरह आप लोग को सारी डिटेल्स भर के आप लोग यहाँ पे पंजीकरण में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि पंजीकरण नंबर आ जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग जो पासपोर्ट रखेंगे वो पासपोर्ट भी आ जाएगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इसके बाद जो आप लोग को 3 प्रोसेस आगे करना है। एक डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करना होगा, साथ ही साथ जो है आप लोग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना होगा, और तीसरे नंबर कॉलम पे जो है आप लोग का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना होगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग फाइनल सबमिट करेंगे फॉर्म को। फिर आप लोग का सामने एक PDF आएगा जिसमें आप लोग का पूरा डिटेल रहेगा जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों फॉर्म को, जो PDF निकल के आएगी उसको आप लोग प्रिंट कर ली। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा इसी तरह जानकारी पाने के लिए। तो मैं मिलूंगा और एक वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।